ये जो है ना, ये मेरा शेरू खड़ा है। ये मुझे, मैं छत पे फूल बना रहा था, मैं उधर से देख रहा था, मैं उधर सामने छत पे खड़ा था, उधर सामने तो उधर से मुझे ये देख रहा था। ठीक है भाई, मौसम जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बन गया भाई, बारिश भी स्टार्ट हो गई। आपको बताया था 5-4 मिनट के अंदर बारिश आ जानी है, अल्लाह ताला ने सुन लिया भाई, बारिश शुरू हो गई। ये देख सकते हैं आप जो है ना, ज़मीन सारी गीली हुई पड़ी है। आपको जो है ना, मेरे बाल वगैरह जो है जैसे बड़े गए नज़र आ रहे होंगे, दाढ़ी वगैरह भी जो है ना आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नाखून वगैरह भी जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इस ये मैंने इस वजह से नहीं काटे। अस्सलाम वालेकुम, तो गाइस क्या हाल चाल है, ठीक ठाक फिट पा रहा? तो आपको जो है ना वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग के अंदर। तो भाई आज जो है ना, मैं सोया पड़ा था, तकरीबन 6 बजे जो है ना मेरी आँख खुल जाती है ऑटोमेटिकली। क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैं जो है ना इस चारपाई पे जो है ना मैं सोया होता हूँ, ठीक है ना। इधर से 6 बजे सूरज अंकल सामने से जो है ना मुझे आगे उठा देते कि भाई उठो और काम पर चलो। आज जो है ना 7:30 बज गए हैं लेकिन आँख नहीं खुली। तो मैंने 7:30 बजे खुद ही आँख खुली है, तो मैंने टाइम देखा है तो मेरी आँखें बड़ी ज़ोर से खुल गई हैं, क्योंकि 1.5 घंटा जो है ना लेट हो गए हैं। आज शॉप से भी 1/2 घंटा लेट हो गए, जॉब पे भी जाना है। उसकी वजह ये थी कि आज जो है ना मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना रहा है, धूप बिल्कुल नहीं आई। तो सूरज अंकल खुद भी सोए पड़े हैं, ठीक है ना, वो आपको नज़र आ रहा होगा, हल्की हल्की से जो है ना उनकी आँखें खुली हुई हैं, बाकी बिल्कुल सोए पड़े हैं। आपको शायद नज़र ना आ रहा हो लेकिन वीडियो मुझे नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये थी कि आज जो है ना सूरज नहीं निकला, बादल बने हुए हैं। पिछले 5-6 दिन से जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। 1 मिनट पंखे के बगैर नहीं रह जाता था। और दूसरी तरफ जो है ना बापटा वालों ने जो हमारे साथ की हुई थी वो आपको बता नहीं सकते, वो आपको भी पता होगा, पाकिस्तान में जो जो रहते हैं उनको पता होगा सबको, ठीक है ना। तो दुआ करते हैं यार बारिश आ जाए, मौसम जो है बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। 3-4 दिन जो है ना ईद में रह गए हैं। अगर गर्मी में ईद गुजारें तो आपको पता है ईद का मज़ा नहीं आता, अगर मौसम इस तरह का बना हुआ तो ईद गुजारने का मज़ा जो है ना दुबला हो जाता है। वगैरह सबने ले ली होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी कुर्बानी है, वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यार ईद की जो है तैयारी इशारे चल रही है, ईद की तैयारियाँ बस आपको पता ही है, हमारी तो ईद क्या होती है, लड़कों की बस एक सूट लेना तो एक जुत्ती लेनी होती है, और वो भी बस 1 घंटा पहन के दोबारा जो है ना गोश्त बनाने में साथ बनाने में और बांटने में गुजर जाता है। फिर गर्मी की वजह से जो है ना पिछले 3-4 दिन व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि गर्मी इतनी होती थी यार, दिल ही नहीं करता था व्लॉग बनाने का। तो आज जो है ना सुबह सुबह मैं उठा, मौसम देखा मैंने, तो मैंने फिर यार व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने जो है ना वो देखा होगा, बाल छाल बिखरे हुए हैं देखे, कपड़े शपड़े पुराने पहने हुए हैं, बस मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है ना रेडी शेडी होते हैं, रेडी शेडी हो गए, शॉप पे भी जाना है। आपको बताया था कि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि शॉप की जो है ना सेटिंग वेटिंग चेंज की थी, पहले 2 थी अभी एक और ली है, फिर उसकी सारी सेटिंग वेटिंग जो है ना चेंज कर दी थी, वो भी आपको दिखाते हैं कि जो न्यू सेटिंग की है उसमें सारा हिसाब किताब क्या है क्या नहीं है। आप देख सकते हैं अंधेरी जो है ना हल्की हल्की चल रही है। आपको जो है ना मैं अपने शेरू से मिलवाता हूँ, शेरू आपको आज ही दिखा रहा हूँ पहली बार वीडियो में, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेरा शेरू खड़ा है। ये मुझे, मैं छत पे फूल बना रहा था, मैं उधर से देख रहा था, मैं उधर सामने छत पे खड़ा था, उधर सामने तो उधर से मुझे ये देख रहा था, ठीक है ना। तो इसको जो है ना, हाँ भाई शेरू कैसे हो, ठीक हो भाई, गुस्से में लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो ये भैया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुर्बानी का बकरा है, खुद हमने जो है ना पाला है इसको माशाल्लाह। इसकी पहले अम्मी थी, तो इसके साथ जो है ना एक इसकी ये सिस्टर है हमारी, ये चंदू है, ठीक है ना, ये इसकी सिस्टर है। हाँ भाई चंदू कैसी है, ठीक है। ये तो भाई गुस्से में लग रहे हैं, अरे बहुत ज़्यादा लगता है, इनको घास नहीं मिला। और वो जो है ना इनकी छोटी बहन खड़ी हुई है पीछे, उसके साथ भी एक छोटा भाई था लेकिन वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। तो ये वाली जो है ना चंदू और ये शेरू मेरा, ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास थे, इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से पाला है, इनकी परवरिश की है, ठीक है ना। तो अब इसको है ना अल्लाह ताला के रास्ते पर कुर्बान करते हैं। जो बाकी जो देख रहे हैं ये मोहल्ले वालों के लगे हैं, इधर सारे ये दुम्बा भी किसी के साथ वालों का, बकरी बकरा दुम्बा जो भी है यार साथ वालों के हैं, ठीक है ना। हमारा जो है ना ये शेरू खड़ा है माशाल्लाह, आज गुस्से में लग रहा है, या तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे गुस्से में लग रहा है, ठीक है ना। तो वैसे भाई बहुत लड़ाका है ये, टकरे शकरे बहुत मारते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे यार, कुर्बानी जो है ना असल वो होती है जिसको अपने पास रख के उसकी जो है ना केयर करके उसको कुर्बान किया जाए। तो अल्लाह ताला खैर सबकी कुर्बानियों को कबूल करे, हमारे भी कुर्बानियों को कबूल करे अल्लाह ताला। तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज चलते हैं भाई, रेडी शेडी होते हैं, आज लेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो शॉप पे जाना है। चलते हैं रेडी शेडी हो गए, बाल शाल आप देख सकते हैं बिखरे हुए, तैयार हो गए जो है ना शॉप पे चलते हैं निकलते हैं। तो भाई मौसम जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बन गया भाई, बारिश भी स्टार्ट हो गई। आपको बताया था 5-4 मिनट के अंदर बारिश आ जानी है, अल्लाह ताला ने सुन लिया भाई, बारिश शुरू हो गई। ये देख सकते हैं आप जो है ना, ज़मीन सारी गीली हुई पड़ी है। तो अभी शॉप के लिए निकल रहा था कि बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन मैंने कहा पहले बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो
अभी अगर रुका तो एक घंटा बारिश नहीं रुकनी। अभी जो है थोड़ी कम हो गया बारिश, मैंने कहा बस निकलते हैं, पहुँचते हैं शॉप में जाके जो है ना पूरे रेस्ट करेंगे। कपड़े भी जो है ना भाई पुरानी पहन लिए, ठीक है ना, क्योंकि पता है मौसम ख़राब है, अगर नए पहले जो है ना ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है ना बस पुराने कपड़े पहन के जो है ना बस निकल गए हैं भाई। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम बन गया आज भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई, क्योंकि जो ना गर्मी में ना दुकान के काम करने का मज़ा आता है ना कोई और काम करने का मज़ा आता है। तो अभी जो है ना चलते हैं बस शॉप पर निकालते हैं, मौसम का फोन आ गया किधर हो भाई पहुँचेगी अभी तक, तो उनको क्या पता कि मौसम को इंजॉय कर दे रहे। शॉप पे पहुंच गए तो आपको जो है ना दिखाता हूँ शॉप जो अभी लगाई है, पसीने वगैरह शुरू हो गई, क्योंकि हबस होता है शॉप के अंदर ना सारी रात का। तो अभी जो आपको दिखाते हैं भाई, ये जो है ना देखा आपको जैसे बताया था कि इधर जो है ना टोटली हैंगरिंग आ जानी है फर्स्ट वाली शॉप में, तो इधर वाला जो सारा जो मटेरियल था ना अलमारियाँ वगैरह वो उठ के चली गई हैं, उधर सारा जो है ना उधर जो पैकिंग वाला सारा माल है लेडीज़ का और जेंट्स का जो भी उधर चला गया, तो इधर जो है ना टोटली हैंगरिंग आ गई है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अब प्यारा जो है ना निज़ाम बनाया है यार इधर ना, ये आप देख सकते हैं टोटली इधर हैंगरिंग आ गई। ये जो है हमारा एयर कूलर लगा हुआ है भाई, इसकी जो है ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्मी में, अभी तो चलाया नहीं, इसमें पानी वगैरह डाल के जो है ना इसको चलाना है, इसके साथ जो है ना हमारा दिन गुजरता है वरना इसके बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता। तो आपको जो है ना कॉस्मेटिक वाला पोर्शन भी दिखाता हूँ मैं जाके, तो यार जाना इधर जो पोर्शन था ना इधर कपड़े वाली साइड पे, इधर से उठा के जाना, इधर कॉस्मेटिक्स जो आप देख सकते हैं सारी जो है ना इधर लगा दी, न्यू अलमारी बनी है, ये काउंटर वगैरह सारे न्यू बने, तो इधर जो है ना बहुत ज़बरदस्त सेटिंग हो गई यार। हमने कहा उधर जो है ना सारी इकट्ठी थी, इधर गारमेंट्स और कॉस्मेटिक जो है ना सारा एक दूसरे के साथ मिला हुआ था, कोई पता नहीं चल रहा था क्या रखा है क्या नहीं रखा, हमने सोचा कि कॉस्मेटिक्स जो है ना बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो इसलिए जो है ना कॉस्मेटिक को बिल्कुल अलग कर दिया, और गर्मी ने जो है ना बुरा हाल कर दिए, क्योंकि शॉप के अंदर तो यार बाहर तो मौसम बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, अभी जो है ना पक्के छक्के भी नहीं चलाए क्योंकि सफाई सफाई कर रहे हैं ना गर्दा वगैरह उड़ते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना अभी पक्के नहीं चलाए, तो वो जल्दी सफाई करके जो है ना पक्के चलाते हैं, क्योंकि बुरा हाल होता जा रहा है, गर्मी दोबारा से चढ़ती जा रही है, पक्के चलाते हैं उसके बाद फिर सुकून से बैठते हैं शॉप पे। आपको दिखाते हैं भाई वो जो सामने है रेड कलर कारपेट लगा दिया हमने उधर, वैसे थी तो हैंगरिंग यानी कि उधर कस्टमर ने चल फिर के अपना सामान लिया था, लेकिन हमने कारपेट लगा दिया कि उधर जो है ना कोई कस्टमर बैठ भी सकता है, सीट भी लगी हुई है, लेकिन हमने कहा उधर भी कोई बुजुर्ग वगैरह होते हैं तो उनको बैठने के लिए जो है ना उधर कारपेट लगा दिया। फिर जो है ना ये काउंटर के अंदर भी जो है ना आपको दिखा सकते हैं, इधर तो कुछ नहीं लगाया लेकिन इस साइड पर जो है ना ये यहाँ पर जो है ना न्यू कारपेट डाला सारा, वो सामने जो सीट लगी हुई है उस सीट पर जो है ना आपका भाई बैठ गया, ये सारी जो है ना कॉस्मेटिक्स लगी हुई है, अभी लाहौर से लेके आए हैं, डेकोरेशन जो है ना पीस लगे हुए हैं, और ये जो है पर्स वगैरह लगे हुए हैं सारे, और वो जो है ना आपको पता है ब्यूटी बक्स वगैरह वो टोटली उधर लगे हुए हैं, आपको पता है कि शादी वगैरह में ना जरूरत पड़ता है, जिन्होंने कभी शादी की हो किसी भाई की तो उनको पता हो कि उसके लिए जो है ना ब्यूटी बक्स बनाना पड़ता है। तो यार फाइनली जो है ना शॉप की सारी सेटिंग वेटिंग कर दी, अभी जो है ना मूड शूड हो के आए हैं तो कमीशन भी कर रहे हैं, ठीक है ना, सारी सेटिंग वेटिंग करके जो है ना पंखे चला दिए क्योंकि गर्मी जो है ना लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो भी पक्के छके चला के जाना बस अब बैठ के अभी स्कूल से, कस्टमर आते हैं यार बहुत ज़्यादा शुगर लगते हैं, जो दुकानदार अगर आते हैं ना उनको पता होगा कि दुकानदारी में जो है ना बड़े शुगर लगते हैं, गुस्सा भी आता है कहीं कस्टमर पे तंग करने वाले होते हैं, तो कई जो है ना बहुत शुगर मेला भी लगाते हैं, बहुत मजाक भी करते हैं, उनके ज़्यादा मज़ा आता है डीलिंग का, तो कभी आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी करवाएँगे, खासकर लेडीज़ कस्टमर बहुत ज़्यादा तंग करता है यार, तो पसीने में जो है ना हालत आप देख सकते हैं टाइट हुई पड़ी है, ये जो है ना पसीना वगैरह भी मौजूद हो गए हैं, तो अभी जो है ना शॉप पे बैठते हैं, अभी चाय मंगाते हैं, लेकिन नाश्ता भी आज नहीं करके आए क्योंकि लेट हो गया था, जल्दी जल्दी में आना बगैर नाश्ते के आज घर से निकल आए हैं। सर आपको जो है ना मेरे बाल वगैरह जो है दिन से बड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, दाढ़ी वगैरह भी जो है ना आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नाखून वगैरह भी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, इस ये मैंने इस वजह से नहीं काटे, नाखून वगैरह भी औकात वगैरह भी इसलिए नहीं बनवाया, तो कहते हैं कि जिसकी कुर्बानी होती है ना उसको जो है ना कुर्बानी का चांद नज़र आने के बाद से लेकर और ईद की नमाज कुर्बानी करने तक उनको जो है ना नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का जो है ना सवाब मिलता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से जो है ना मैंने बाल कटवाए और ना ही मैंने जो है ना खत्म बनवाया, तो अभी जो है ना ईद का वेट हो रहा है कि ईद के दिन जो है ना बस शाम को जाना है नाई के पास, उधर से जो है ना खुद जो है ना सेटिंग वेटिंग सारे करा के आनी है, तो इसकी वजह से जो है ना खत भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, गर्मी भी लगती है लेकिन क्या करें,
करना पड़ता है। तो यार जो है ना अभी जो है शॉप कर बंद की है, बंद करके जो है ना आया घर की तरफ, माल वगैरह पड़ी है रास्ते में, दोस्त मिल गया तो उसके पास कुछ टाइम जो है ना लगाना पड़ गया, तो बस अभी शॉप बंद करके सारा दिन जो है थके हुए थे, अभी घर को जो है ना वापस जा रहे हैं। तो यार जो है ना तकरीबन 10-11 घंटे की ड्यूटी की है, उसके बाद जो है ना शॉप से अभी जो है वापस आया हूँ, बस शॉप बंद की है, बॉस को जो है घर छोड़ा है, उसको छोड़ के वापस आया हूँ, नमाज वगैरह पढ़ी है। तो सुबह जो है ना मैंने बॉस को बताया कि नाश्ता नहीं करके आया, तो बॉस ने जो है ना क्लास भी लगाई और साथ जो है ना भाई चावलों की प्लेट मंगवाई मेरे लिए, चावल वगैरह खाए, चाय पिया। भाई काम भी बहुत ज़्यादा था आज जो है ना, सारा दिन मोबाइल उठाने का टाइम नहीं मिला, तो दिन में इसलिए जो है ना कोई भी यानी कि वीडियो शॉट नहीं कर सका, तो ऐसे ही था सारा सिस्टम आज। यार गर्मी दुकान के अंदर तो लगती थी, बाहर मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त मौसम बना रहा सारा दिन, लेकिन दुकान के अंदर बहुत गर्मी लगती थी। तो पसीने के जो है ना बुरा हाल है, सुबह नहा के भी नहीं गया था, ऐसे जो है ना मुँह धो के चला गया था, जल्दी जल्दी में लेट हो गया था, पसीना जो है ना अभी जो यार बहुत गंदी बदबू आ रही है पसीने की। तो बस जो है ना घर जाते हैं भाई, नहाते हैं जाके, बाल शाल जो है देख सकते हैं सारे बिखरे हुए हैं गर्मी की वजह से, पसीना आया हुआ था, ठीक है ना। तो बस जाते हैं नहाते हैं जाके। इसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, इसको रिक्वेस्ट समझ लें या इसको धमकी समझ लें, भाई इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नया नया व्लॉग जो है आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओका।